क्रिएट किया जाता है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आज शेयर बाजार डाउन है, मुनाफा वसूली हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के इसमें कोई भारी षड्यंत्र है, इसका भी एक बात सामने होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और जो खड़गे साहब ने कहा कि सरकार तो हम इंडिया गठबंधन की 295 प्लस सीटें आएगी, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएगी और हम सरकार बनाएंगे। भाई साहब, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो अभी रुझानों के हिसाब से टक्कर बिल्कुल कांटे की दिखाई दे रही है, क्या कहें? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो राजस्थान में हम पहले ही कह रहे थे कि हम चाहे एक सीट बीजेपी से ज्यादा लेके आए, हम ज्यादा लेके आएंगे। वो 25-0 की बात कर रहे थे, मीडिया हाउसेस हमें 2 से 5 सीट दे रहे थे, और हम कह रहे थे कि हम 10 तो जीत रहे हैं भाई, हम 15 तक जा सकते हैं, अभी हम 12-13 पे लीड कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे परिणाम आएंगे ये लीड हमारी 15 तक जाएगी और हम 15 से 18 सीट हम राजस्थान में जीतेंगे। नितिन भट्ट सर, रफी खान जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो तमाम जो झूठ फैलाया गया है भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जो एग्जिट पोल जो 1 तारीख को आए थे उनमें बीजेपी को जीतते हुए दिखाई दिया जा रहा था और कांग्रेस को हारते हुए दिखाया गया था, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बीजेपी को एग्जिट पोल में 22 से 23 सीटें बताई जा रही थी जबकि कांग्रेस को 2 से 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस समय के जो रुझान है उससे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तमाम जो एग्जिट पोल जो 1 तारीख को दिखाए गए वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए अभी के रुझानों के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस खेमे में इस समय इन रुझानों से एक खुशी की लहर है, एक बढ़त जो हम कह सकते हैं कि केंद्र के स्तर पर देखी जाए तो वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे को इस समय सोचने की अभी के रुझानों के हिसाब से काफी जरूरत है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।